देखिए ओरियो बिस्किट के इतने सारे टुकड़े कर दिए इसने। आइसक्रीम आ चुकी है, लेके आ चुका है सौरभ। तो भाई सौरभ ने तो खा के देख लिए, अभी मैं खा के देखता हूँ कैसी बनी। वो कैसे खा रहा है लपा लप। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज अभी फिलहाल शाम के 4:30 बज चुके हैं और गाइज अभी मैं फिलहाल ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि गाइज आज ही मेरा दिन में दूसरा ब्लॉग है। मतलब पहले वाला ब्लॉग मैंने एंड कर दिया था और अभी फिलहाल दूसरा वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइज अभी फिलहाल बाहर कुछ गेस्ट आए हुए, मतलब वो मिलने के लिए आए हुए थे। मतलब इससे पहले जैसा कि हमने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम गए थे दूसरों के घर पे गेस्ट बन के और अभी जब वापस घर पे आए तो देखा कि भाई खुद के घर पे भी गेस्ट थे। तो गाइज आप सबको तो पता ही है कि भाई बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है, आप सबको तो पता ही है। तो गाइज आज अपन इस गर्मी में बनाने वाले है ओरियो आइसक्रीम, जो की मेरे को तो बनानी आती है नहीं भाई आइसक्रीम, मैंने तो कभी बनाई नहीं है। सौरभ बोल रहे भाई मेरे को आती है बनानी, अपन तो भाई वो बनाएगा आइसक्रीम, अपन तो भाई खा लेंगे। यहाँ पता है वो कैसे लेटा है ये। ओए ओए तेरा भाई ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में। उठ तो सही। क्यों? आ सब लोग देख रहे हैं भाई, उठ तो सही भाई। इसे कुछ परवाह नहीं है इसको, मतलब ब्लॉग में कैसे भी डाल सकते, कुछ परवाह नहीं। सौरव जा बन, तूने बोला ना आइसक्रीम बनाए बनाएगा, जा बना के आ। बाहर शर्म आएगी क्योंकि बाहर गेस्ट आए हुए हैं ना। हां सर शर्म आएगी। तो काम करो जाओ सर, नीचे ले मैं सब सामग्री लेके आता हूँ, यहाँ पर नीचे बैठ के बना। ठीक है जाओ सामान लेके आओ जल्दी से, जा किचन में और यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते। देखिए क्या क्या लेके आया है। अच्छा नीचे आ जाओ। क्या क्या लेके आया भाई? देखो ये ग्लास है, इसके अंदर ओरियो डालेंगे, ओरियो बिस्किट, नमक, तपेला और ये चॉकलेट। ये तो हर्शीज का चॉकलेट है, हर्शीज सिरप। ये पता नहीं क्या है भाई, इससे चूरा करेगा ये ओरियो बिस्किट का। ये ले भाई, पहले कभी बनाई है तूने या फिर क्या है? हाँ मैंने हैप्पी बेबी बिस्किट से मैं रोज बनाता हूँ मेरे काम में, रोज मतलब एक हफ्ते में एक बार बना लेता हूँ। ओरियो की पहले कभी बनाई है या फिर ऐसे ही? ओरियो की बनाई है, एक बार बनाई थी। भाई देखिए ओरियो बिस्किट का क्या ही हाल कर दिया। पहले एक बार इसकी ट्राई करते हैं फिर बाद में ये डाल देंगे, ठीक है ना? क्या मतलब? मतलब पहले एक बार तो इसकी बना के देखते हैं, फिर आपको अच्छी लगी तो इसकी बना देंगे। ये दोनों साथ में बनाओ ना, पहले ये बना देंगे, वो तो नहीं होगा तो खा लेंगे उसको ऐसे। अगर आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग और रेसिपीज के वीडियो देखना है तो आप संजय भाई को सब्सक्राइब करना और थोड़ा भाई सपोर्ट कर दो, हमारे भाई है अपना ही चैनल सपोर्ट कर दो। अरे 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 भाई बात ऐसा कर रहे हैं जैसे खुद के 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। अरे नहीं पर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, पता हो जाता है वो तो पता है भाई सबको, इसलिए आप कर दो। करेंगे करेंगे, अपन अपन मेहनत करते रहेंगे, ये लोग भी सब्सक्राइब करेंगे एक दिन। बना तो सही फिर खा लेना, एक बिस्किट मेरे को भी देना। अरे 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 अरे। देखिए भाई अपनी चाय आ चुकी है यहाँ पर, शाम की चाय। चाय में थोड़ा हर्षित डाल जाए क्या? तो भाई खुद के डाल ले, तक ये काम करता है अपन तो पीते हैं मस्त चाय। भाई कितना वो बताना, इतने अंदर टुकड़े रहेंगे फिर हम दूध में डालेंगे तो पिघल जाएंगे ना, इसलिए इतने रहते। भाई देखिए ओरियो बिस्किट के इतने सारे टुकड़े कर दिए इसने, करो करो। क्या कर रहा है बताना मुझे, पहले मैंने दिल्ली में ठेला लगाया था चॉकलेट चेक का, ठीक है ना? नहीं इतना इस क्लास में मैंने इतना दूध आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो अभी क्या डाल रहे हैं? नमक 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 किस लिए भाई? नमक तो चाहिए ना आइसक्रीम में, नहीं तो नमक भी चाहिए, चीनी भी चाहिए। अच्छा बस चीनी लेकर आ दो। लेकर आ गया चीनी, अभी जाएंगे यहां पर भर भर के शुगर अपन दोनों हैदराबाद में, नई एजेंसी खोल देते। सही कहा तुमने। अरे अरे भाई इतनी शक्कर आइसक्रीम, आइसक्रीम तो भाई देखो मीठी होती है, तुम ऐसे मत देखो मुझे बनानी आती है। भर भर के नहीं जाएगा ये, थोड़ा ही जाएगा, भर भर के मिल्क के बाद जाएगा ये। देखो ये इतना इतना बहुत हुआ, नहीं ये अच्छा है भाई, काम करो वापस, साफ सफाई बहुत जरूरी है। चल किचन में चल, डाल भाई फ्रिज में। हाँ
तो भाई अभी फिलहाल सौरभ ने आइसक्रीम बना के फ्रिज में रख दिए। तो अभी भाई टाइम बता ना कितना हुआ? 5:18। तो इसको अब डे फ्रिज से वापस कब निकालना है आइसक्रीम को? 8-9 बजे तक जम जाएगी पूरी? 8 बजे तक जम जाएगी, जम जाएगी। भाई आइडिया फेल तो नहीं होगा ना? हो ही नहीं सकता कभी ऐसा। फेल हो गया तो नहीं, फेल हो गया तो इसकी पिटाई करेंगे अपन। मजाक कर रहा हूँ भाई, इसको थोड़ी मार सकता हूँ भाई। टैलेंट देख रहे हो, बंदे में टैलेंट बहुत है। आइसक्रीम बना दी भाई, मैंने तो आज तक कभी बनाई नहीं आइसक्रीम, सीधा इसने आइसक्रीम बना दी। तो देखते हैं भाई आइसक्रीम कैसी बनती है। आइडिया अगर पास होता है या फ्लॉप होता है देखते हो, तो 8 बजे ही पता चलेगा। तो मैं आपको 8-9 एक बताना भाई, 8 या 9 या तो 8 के बीच में। ना ना, या तो 8 बोल ले या 9 बोल ले। 8:30 ठीक है, राइट। 8:30 को अपन देखेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा 8:30, देखते हैं आइसक्रीम बनती है या नहीं बनती। तो गाइस अभी फिलहाल रात के 9:30 बज चुके हैं, और गाइस 8 बजे तो मैं गया था चेक करने के लिए आइसक्रीम, लेकिन गाइस वो मतलब ऊपर से तो बर्फ बन गया, लेकिन गाइस अंदर से जो वो मिल्क था ना वो मतलब लिक्विड ही रह गया गाइस। मतलब उसको डीप फ्रिज में रखा ना गाइस आइसक्रीम को, फिर भी वो मतलब एकदम से जमी नहीं, सिर्फ ऊपर की लेयर जम गई। तो अभी मैंने बीच में मतलब होल किया और फिर मतलब उसके थ्रू एयर अंदर गई ना, तो मतलब अंदर से अभी अच्छे से जम चुकी है। और अभी फिलहाल रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं नहीं खाया भाई, मैं तो वेट कर रहा था कि मैं और सारा दोनों साथ में खाएं। चलो मैं लेके आऊं, पब्लिक को बताते। आ जाओ लेके आओ। तो आइसक्रीम आ चुके, लेके आ चुका है सारो। अभी इसमें ऊपर से डाल जा रही है हर्शीज। बोलो को हर्शीज भाई है कि नहीं अंदर? हाँ भाई, क्या ही टेस्टी लग रही है। कैसी बनी? अच्छी बनी? बाहर से भी अच्छी आइसक्रीम, मैं तो बोल रहा हूँ सच में, बहुत जोरदार आइसक्रीम। तो भाई सौरभ ने तो खा के देख लिए, अभी मैं खा के देखता हूँ कैसी बनी भाई। लेकिन आज से जमी नहीं आपको, लिक्विड लिक्विड ही रह गई। अरे तो अभी तो मजा आएगा, जमेगी फिर ठंडी ठंडी लगेगी, मजे नहीं आएगी भाई। कैसी बनी वो मत पूछ भाई, सिर्फ खाने का ध्यान रख भाई। इतनी ज्यादा टेस्टी भाई, मतलब कभी बाहर भी मैंने ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई जितनी घर पे टेस्टी बनी है भाई, क्या बताऊं। समझ रहे हो मैं कितनी अच्छी बनाई, समझ रहे हो? बड़ा मैं कभी खाऊ भाई, सच में भाई बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है गाइस, बहुत ज्यादा। अब से भाई बाहर से आइसक्रीम लाना कैंसिल, घर पे ही बनाएंगे और घर पे ही खाएंगे। और ये बने भी कितने में? 50 रुपए में बन गई है। 50 रुपए में भी नहीं बनी। ये देखिए 2 ग्लास 50 रुपए में बन गई, 50 रुपए में भी नहीं। देखिए 50 रुपए के ओरियो बिस्किट आ गए और फिर बाकी से शक्कर वगैरह, मतलब पूरा मिला के सिर्फ 100 रुपए में। देखिए ये 2 ग्लासेस बनी है, वो भी इतनी स्वादिष्ट एकदम, बहुत टेस्टी बनी। मतलब ये मतलब कैसी बनी पता है? मतलब ओरियो का एक आता है ना गाइस आइसक्रीम वाला डब्बा जो 40-50 रुपए का रहता है ना, उस डब्बे में जैसी मिलती है ना उससे भी ज्यादा टेस्टी ये बनी है भाई। इसमें तो कुछ मिलावट भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं, एकदम प्योर घर की है भाई। और एकदम वो दूध भी प्योर डाला हुआ है। ये तो लपालप खा रहे हैं और मेरे को ऐसे कैमरा पकड़ के बिठा दिया भाई। अभी सौरभ कर रहा है शूट, उसके मुंह से आ रहा है पानी, मैं खा रहा हूँ भाई। शूट कर पहले फिर खाना, तू रुक। गांव वाले बहुत होशियार है भाई, गांव वालों को मैं सोचा था यार, मतलब गांव में मतलब ऐसा नहीं है वैसा नहीं, लेकिन भाई गांव वाले बहुत होशियार है बहुत। वो कैसे खा रहा है लपा लप भाई, ऐसी ऐसी आइसक्रीम दो, कितनी चॉकलेटी है देखो, आप देख सकते हो कितनी चॉकलेटी है, ऐसी तो बाहर भी नहीं मिलती है। 100 रुपए में भी सब मिलावट वाले आइसक्रीम मिलते हैं, 100 रुपए में भी। अरे खाली टेस्ट करके बताओ भाई, वो आइसक्रीम में मिल्क शेक नहीं है। कैसी है? बहुत मीठी है लेकिन अच्छी है। नो वर्ड्स भाई, आइसक्रीम कंपनी मिल्क शेक ज्यादा बना है, मिल्क शेक भी नहीं है, चॉकलेट शेक है। तो भाई ये तो हो गया खत्म भाई, खा ले गिर जाएगी नीचे। अभी फिलहाल चल रहे ऊपर, ऊपर किस लिए? वॉक करने के लिए। तो क्या यार तुमको क्यों खिलाई ना, क्यों नहीं क्या भाई देख ले, झूठ बोल रहे अभी, खिलाई ना मैंने आपको। क्या हो जाए, झूठ क्या बोल रहे हो, खिलाई ना मैंने आपको। क्या इधर क्या कर रहे हो इधर? अरे भाई सो रहे हो इधर ही? क्या इधर ही सो रहे हो क्या? ऊपर छत पे सोने का आनंद ही कुछ और है। अच्छा ठंडा वातावरण है, मस्त भाई इधर सो सकते हैं, लेकिन इधर मच्छर बहुत है। मच्छर से भी ज्यादा ये एसी। ये एसी क्यों? एसी से क्या होता है? ये इससे हीट वेव आ रहा है। अच्छा तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल ऊपर आए करने के लिए वॉक, इधर थोड़ी देर वॉक करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर जाएंगे नीचे। तो ये देखिए मामा जी तो भाई सोने की तैयारी कर चुके, तो बस गुड नाइट है या फोन देखोगे अभी रात में?
हैं? नहीं अभी एक आधा घंटा तक थोड़ा फोन देखेंगे, एंजॉय थोड़ा। नींद आ जाएगी अभी रात में? अरे नींद आ रही है मुझे। थोड़ी देर फोन देखोगे फिर सो जाएंगे। और एसी थोड़ा कम करना फिर बाद में। हाँ रात में कर देंगे। और आज का दिन कैसा गया? सॉरी ठीक है, आज का दिन तो अच्छा ही। सुबह रिलेटिव से मिलने गए थे। हाँ। अब आगे आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम मस्त लगी ना? सच बताना बहुत अच्छी थी। सो गाइज अभी फिलहाल रात के 11:30 बज चुके हैं और गाइज अभी फिलहाल सब लोग सो चुके हैं। तो गाइज मेरी एडिटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अभी फिलहाल ब्लॉग एक्सपोर्ट हो रहा है और इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। तो गाइज ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज को लाइक करना, शेयर करना। और गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय। And I could take this crap from seeing to believing, gotta take. क्योंकि भाई गांव मौज नहीं है। अरे भाई बाहर बारिश आ रही है, ये देखिए गाइस भाई बाहर बारिश आ रही है। तो ऐसे के नाराज है, भूकंप थोड़ी आया है भाई, लेकिन पता भी नहीं चल रहा इतना अच्छा मौसम था, एकदम से बारिश कैसे आने हो गई भाई। मिल्क लाना था, मिल्क लेके आओगे क्या? Blood in my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling.